यूं तो दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी सुंदरता को देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके एक देश से दूसरे देश जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइलैंड जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड का किस्सा बताएंगे जहाँ जाना तो छोड़िए कोई इंसान भी अपना पैर नहीं रख सकता। अगर किसी ने गलती से भी कुछ ऐसा किया तो उसकी मौत निश्चित है। इल्हा दी क्यूमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह द्वीप दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले और सबसे ज्यादा सांपों का घर है, जो ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के तट पर स्थित है। यह जगह साओलो पोलो राज्य का हिस्सा है और अपने वर्षावन रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। आइलैंड तट से लगभग 20 मील की दूरी पर है। इतनी दूर की जहरीले सांप साउथ अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते। ब्राजील के इस आइलैंड को आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से मौत का द्वीप कहा जाता है। यह आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ पहुंचने वाले कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। कहा जाता है कि यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां सबसे अधिक जहरीले सांप रहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि दुनिया से विलुप्त हो चुके गोल्डन लेंस हेड वाइपर स्नेक सिर्फ इस आइलैंड में ही मौजूद हैं। पर और कोई जगह नहीं जहां आप इस सांप को देख पाएंगे। माना जाता है कि 11,000 साल पहले अंतिम हिमयुग समाप्त होने के बाद यह प्रजाति इस द्वीप पर फंस गई थी। बढ़ते समुद्री जल ने स्नेक आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ने वाली जमीन को पानी के नीचे डुबो दिया और यह हिस्सा आइलैंड बन गया। ब्राजील सरकार ने इंसानों और सांपों की सुरक्षा के लिए आइलैंड पर इंसानों का जाना प्रतिबंधित किया हुआ है। ब्राजील की नौसेना किसी को भी आइलैंड तक पहुंचने से रोकती है। हालांकि नौसेना हर साल आइलैंड पर मौजूद लाइट हाउस की मरम्मत करने के लिए वहां जाते हैं। बहुत कम शोधकर्ताओं को आइलैंड पर जाने की अनुमति है। जब वे जाते हैं तो उन्हें सरकार से खास अप्रूवल लेना होता है और उनके साथ प्रमाणित डॉक्टर भी सीमित समय के लिए अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आइलैंड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।